आधुनिक टेक्नोलॉजीનો उपयोग હવે રેલવેને પણ આધુનિક બનાવી રહ્યો છે। ભારતીય રેલવે દ્વારા મધ્યપ્રદેશમાં પ્રથમ ઓટોમેટિક કોચ વોશિંગ પ્લાન્ટ ભોપાલના હબીબગંજ ખાતે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। આ જાણકારી રેલવે મંત્રાલયના ટ્વિટર પર શેર કરવામાં આવી છે, જેમાં આધુનિક ઉપકરણોથી સજ્જ આ વોશિંગ પ્લાન્ટમાં માત્ર 10 મિનિટમાં 90% ઓછા પાણીના ઉપયોગથી રેલવે કોચની શ્રેષ્ઠતમ સફાઈ થઈ રહી છે। આ પદ્ધતિથી પાણીના સંરક્ષણ માટે પણ મદદ મળશે। आ वीडियो सोशल मीडिया में पण खूब जोवाई रह्यो छे। स्वामी विवेकानंदना गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस भारतना महान संत अने विचारक तेमज मानवताना पूजारी हता। आजे तेमनी पुण्यतिथि निमित्ते मंत्रीओए ट्वीट करी तेमने श्रद्धांजलि अर्पी हती। आजे बॉलीवूड स्टार सैफ अली खाननो जन्मदिवस छे, जे निमित्ते चाहकोए सैफ अली खान ने ट्वीट करी शुभेच्छाओं पाठवी, जे अंतर्गत ट्विटर पर हैशटैग हैप्पी बर्थडे सैफ ट्रेंड थई रह्युं छे। पारसीओना नवा वर्ष नवरोज़नी आजे देशभर में उजवणी थई रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तथा मंत्रीओए ट्वीट करी नवरोज़नी शुभेच्छाओं पाठवी। राष्ट्रपतिए कह्युं, पारसी समुदायना लोकोए भारतना विकासमां महत्वपूर्ण योगदान आप्युं छे। सोशल मीडिया डेस्क, दूरदर्शन समाचार, अमदावाद।